में कि दिवाली से ज्यादा महत्व को इस मेले को देते हैं। हाँ, दीपावली को ज्यादा महत्व इस मेले का है। अगर कोई दीपावली में नहीं आया होगा, अन्यथा इस मेले में पहुँचता है। दीपावली के एक दिन पहले होते हैं, मौत नहीं होती। आमन मंदिर है मंजू घोष, बहुत प्राथमिकता से लोग यहाँ पे आते हैं, बड़ी श्रद्धा से लोग यहाँ पे आते हैं। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि जिस तरीके से जन सैलाब यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इससे लगता है खासियत ये है कि मेला धीरे धीरे, तो बीच में कोरोना के कारण काफ़ी कम हो गया था, लेकिन इस बार मैं बहुत भीड़ देख रही हूँ। नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित कुमार, आप देख रहे हैं पहाड़ भर टीवी। तो आज हम आए हुए हैं कांडा गाँव में, जो कि डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। तो आज हम यहाँ का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के लोकल स्थानीय निवासी लोगों से इसके बारे में कि क्यों ये कांडा मेला यहाँ पर मनाया जाता है। आइए लोगों से जानने की। नहीं हो पाया था इस बार, जब हुआ है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा है, भक्तों का हुजूम उमड़ा है। किस तरीके से देखते पूरे इस मेले को? मैं मनमोहन पवार, प्रधान ग्राम पंचायत देल। 2-3 साल से हम लोग भी काफ़ी प्रयास रखते, लेकिन कोविड के होने के कारण हम इसको प्रॉपरली मतलब मैनेज नहीं कर पाए। अब इस बार जो है, मतलब जो आप भी देख रहे हैं, हम लोग सब जनता देख रही है कि मतलब इस बार पूरी खुली छूट है सबको। आप आइए, अपना एंजॉय करिए। और इतना मतलब इतना भीड़ आज तक हमने देखी नहीं, मतलब 3-4 साल के अंतराल में। तो मैं मुख्य रूप से मंदिर समिति के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद जी और मंदिर कांडा ग्राम सभा पंचायत की तरफ से सबको बधाई देता हूं। और क्षेत्रीय जो हमारे तीन मुख्य रूप से तीन ग्राम पंचायतें जुड़ी हैं, ग्राम पंचायत देल, ग्राम पंचायत कंडोली और ग्राम पंचायत कांडा, इन सभी क्षेत्रीय जनता का और समस्त क्षेत्रीय लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमें अच्छा कि कितने आसपास के गांव के ग्राम सभा के वो से यहाँ पे जो है मंजू घोष चढ़ाए जाते हैं, कितने इसमें कम से कम जो है ना, जो लोकल है 40-50 गाँव तो है, लेकिन पूरा तीन पट्टियाँ हैं इसमें, रावत सिंह, गिडवाल सिंह और बनगढ़ सिंह, और बाकी हमारे जितने भी रिलेटिव हैं, कम से कम इसमें 700-800 गाँव के लोग शरीक होते हैं। और अब तो जो मांगने की इच्छा होती है, जो जिसका बच्चा होता है तो वो अपनी तरफ से देवी का निशान या छत्तर ला के लाता है और यहाँ देवी को समर्पित करता है, चढ़ाता है। क्योंकि कोई भी इच्छा किसी की अगर प्रकट करना है, कोई आज इस साल मांगेगा वो 10 साल बाद पूरा होगी, तो बच्चा 5 साल में या 3 साल में 2 साल में तो देते हैं। तो गाँव वालों को देवी थोड़ा उस दिन आयोजन होता है भंडारे का, खाने का, तब रात भर देवी का झंडा नचाते हैं। और जानी मानी देवी है ये, वैसे तो ये गांव में रहती हैं ऊपर, पर कल रात कल शाम को वो यहाँ आती हैं देवी। वैसे ये देवालय है, शिवालय है, तो देवी यहाँ रात को आती है। देवी का रूप पार्वती का स्वरूप है, जैसे आप जानते हो कि पार्वती का स्वरूप है। आगे अंदर शिवालय, ये किसी को पता नहीं, अंदर शिवालय है, ये किसी को पता नहीं, ये सब जानते हैं कि देवी का मंदिर है। देवी गाँव में रहती है, कांडा देवी मजे कांडा गाँव में। कल एक दिन पहले आती है, बगाल से पहले एक दिन पहले आती है, उसके बाद आज ही शाम को लास्ट झंडा उनका गांव का चढ़ेगा, उसके बाद देवी आज ही रात को डोली में बैठ के वापस अपने गांव जाएगी। ये 2 दिन का कांडा मेला होता है, एक दिन एक दूसरा दिन, इसका क्या मान्यता है? इसका मानना ये है कि कोई छोड़ 2 दिन का मेला होता है तो दो दिन का, एक दिन में देवी आती है, जिस दिन आती है बगाल में यहाँ आती है, ठीक है, वो मैथिक देवी है। क्योंकि देवी का असली मैका नीचे रहता है ना, तो 2 दिन का, एक दिन मैके में रहती है देवी नीचे, दूसरे दिन यहाँ आती है। ये मैका है, ये ससुराल है देवी का कांडा गाँव में, यहाँ नीचे मैका है। तो एक दिन 2 दिन का मेला होता, तो पहले तो जैसे बलि प्रथा होती थी, किसी की मन्नत होती थी, तो कोई बकरा लाता था, कोई बग्घी लाता था, बग्घी भी बहुत बार सदे भैंसे चढ़ गए थे बहुत सारे। यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि गांव-गांव के नाम रहते हैं किलों में, इसके चारों तरफ किले होंगे तो गांव का नाम रहता था उसमें, इस गांव का नाम, इस गांव का नाम, तो अपने अपने किले या अपने अपने बग्घी यहाँ बांधते थे। और शाम को 5 बजे के बाद बग्घी बलि होती थी, उसके बाद अब बलि प्रथा बंद हो गई, ग्राम सभा सबने बंद कर दी, तो आप सभी देवी का झंडा लाते हैं और देवी को समर्पित। कोविड का क्या असर पड़ा इस यात्रा पर?
इसमें तो वैसे तो उस टाइम भी कोविड हर जगह मेला नहीं हुआ, पर यहाँ तो हुआ है। पिछले साल भी अच्छा हुआ मेला, भीड़ भी पूरी मात्रा में थी, सब कुछ सही था। मेला यहाँ नहीं हुआ ऐसा कि कोविड में यहाँ देवी की कृपा हुई, यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ कि मेला नहीं होगा, क्योंकि कई जगह मेला बंद हुआ पर ये मेला नहीं हुआ था बंद कोविड में। इस बार किस प्रकार की आपको भीड़ देखने को मिली यहाँ पर? भीड़ इस बार कुछ ज़्यादा भीड़ कुछ ज़्यादा ही है, इस बार ज़्यादा ही है, क्योंकि लोग स्पेशल इस मेले के लिए लोग दीपावली में भी घर आते हैं, दूर दूर से लोग इस पर स्पेशल इस मेले के लिए यहाँ आते हैं कि हाँ देवी से अपनी मन की मुराद या बच्चों के लिए या अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मांगते हैं, तो देवी जैसे पूरा करती है तब लाते हैं लोग खुशी में ये झंडा। हमने लोगों से सुना कि दिवाली से ज़्यादा महत्व वो इस मेले को देते हैं। हाँ, दीपावली को ज़्यादा महत्व इस मेले का है, अगर कोई दीपावली में नहीं आया होगा अन्यथा इस मेले में पहुँचता ही पहुँचता है, दूर दराज के लोग भी मेले में पहुँचते पहुँचते हैं, ये उसका पावन दिन है। ये बंगाल के दूसरे दिन दीपावली के एक दिन पहले होते हैं, अमावस्या नहीं होती, अमावस्या नहीं होती तो दूसरे दिन मेला लगता है, और अमावस्या तो इसलिए दो एक दिन पहले पीछे जाए ये मेला। इस मेला के बहुत मान्य है कि बहुत पहले से ही मतलब हम भी लाते हैं, अगर कोई अगर जैसे दिशा ध्यान आ गया तो दिशा ध्यान ने ला गया, अगर अपना ज्ञान निशाना लाना है मेला लाना है यहाँ, तो एक दिन वो अपने महके में रखेगी, एक रात देवी को महके में नचाएगी और दूसरी रात में तब यहाँ चढ़ाने लाएगी, और महके वालों को भी सबको भोजन खिलाएगी अपने। क्योंकि कहीं ना कहीं अब लोग जैसे मेले होता था तो मेले को धीरे धीरे लोग भूलना चाह रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं क्योंकि आपने इस उम्र में भी आप अपने मेले के लिए आता है? नहीं, एक तो ये हमारे मायके की देवी है, हमारा मायका इधर पड़ता है, तो हम लोगों की जो ये जब हमारी शादी हो जाती है उसके बाद बच्चे वगैरह होते हैं तो हम उनको मन्नत मान करके यहाँ छत्तर चढ़ाने के लिए आते हैं, है ना। और मेले की खासियत ये है कि मेला धीरे धीरे तो बीच में कोरोना के कारण काफ़ी कम हो गया था, लेकिन इस बार मैं बहुत भीड़ देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा, इतना मतलब लोगों की आस्था है देवी के प्रति, बहुत आस्था है। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रकांता है। कहाँ से? मैं श्रीनगर से, रिपोर्ट से। आपका कहना सही है, इस समय कोविड के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ पर दर्शन के लिए आना हो रहा है, इसके लिए हमारे तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ी चैलेंज यहाँ पे पार्किंग का रहता है, जिसको लेकर हमने अलग से एक सेक्टर बनाया है, जिसमें प्रॉपर हम लोगों ने पार्किंग की जगहों को तलाश किया था पूर्व में ही, और एक होमवर्क पहले ही कर दिया था मेले से पहले, और आप देख भी रहे होंगे कि इस समय ट्रैफिक की समस्या आप लोगों को कम नज़र आ रही होगी। लगातार जिस तरह से पिछली बार में आपके बार में काफ़ी पुलिस में भी सवाल उठ रहे थे कि इस बार की व्यवस्था की है, पिछली बार व्यवस्था में काफ़ी अंतर देखने को मिला है, तो पहले से क्या आपने शुरू किया रहा था तैयारी कि पहले से ही इसके व्यवस्था तैयारी कर रही थी? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने इस मामले में पहले ही होमवर्क कर लिया था, हमारे सीओ साहब ने और इंस्पेक्टर साहब ने और जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके निर्देशों का पालन करते हुए हमने पूर्व में जो होमवर्क किया था उसके अनुसार आज हम अपनी व्यवस्थाओं को ठीक से कर पा रहे हैं। तमाम कई लोग भीड़ भाड़ में खोया, कोई चीज़ सामान मिल रहा था, पुलिस प्रशासन की क्या अनुरोध है किस तरह से? हाँ, उसके लिए हमने अपना एक खोया पाया केंद्र भी बनाया हुआ है, जहाँ पे हम लोगों ने एक PA सिस्टम रखा हुआ है, जिसके माध्यम से हम लोग जो है अगर किसी के साथ ऐसी कोई बात होती है तो वहाँ पे आके हम लोग उसकी हेल्प करते हैं। जैसे कि आपने अभी तक यहाँ पर देखा कि लोगों की कितनी भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है और लोगों ने भरपूर दर्शन का आनंद यहाँ पर लिया, और हम आखिरी चलते चलते यहाँ पर लोगों से कुछ इनकी राय जानना चाहते हैं कि यहाँ का व्यवस्था कैसी है और यहाँ का जो भी है यहाँ का सिस्टम है उसके बारे में जानकारी लेंगे हम, और हमारे साथ यहाँ पर एक प्रवक्ता जुड़े हैं, हम इनसे जानेंगे, बताएंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। इतिहास के इतिहास है जो मतलब आज से नहीं, लगभग पुराना बौद्ध इतिहास है। तो ये कांडा मेला क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? ये लोगों की आस्था है, मतलब हर साल मनाया जाता है, दिवाली के बाद हर साल होता है, आज से नहीं मतलब पूर्व से, हमारे पूर्व जितने भी थे वो तब से मनाया जाता है। और ये दो दिन का कांडा मेला मनाया जाता है, कल और आज दो दिन का मेला होता है, उसके बारे में बताएं। ये है कि लोग मतलब जैसे होता है जैसे बड़ा कांडा छोटा कांडा है उसके बारे में, जैसे छोटे कांडे में मतलब इनमें मतलब इनमें बांट दिया जाता है, हर गांव को चांस देते कि निशान लाओ, हर ये मतलब हमारी सभ्यता बची रहे इस पर। और दर्शक कितने भरपूर मज़े लेते हैं यहाँ पर आके? वही है, सब इंजॉय है, मतलब ये है कि जितने भी गांव हैं वो हर गांव यहाँ पे आता शामिल होता, इससे ये पता चला कि उत्तराखंड क्या है, किस बेस पे है, हमारा मंदिर है, हमारी मतलब सभ्यता बची रहे हैं। आप लोकल यहाँ से? जी भाई। आपका नाम? मेरा नाम सत्यम। और ये थे हमारे सत्यम जी जुड़े हुए, तो बने रहे पहाड़ भारत से। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।